अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो पकोड़ों के सभी दीवाने होते हैं, लेकिन अगर पकोड़े चिकन के हों तो मजा तो बाला हो जाता है। और आज मैं आपके लिए पंजाब की एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन पकोड़ों की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो मुर्गी का गोश्त लिया है और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसके अंदर 2 खाने के चम्मच सिरके के ऐड कर देंगे और 1/2 खाने का चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसी तरह से चिकन को भिगोकर तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि इसके अंदर जो भी ब्लड और स्मेल है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। और उसके बाद ये पानी को वेस्ट कर देंगे और चिकन को निकाल के अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि हमने इसके अंदर जो सिरका और नमक ऐड किया है उसका टेस्ट रिमूव हो जाए। तो चलिए मिलते हैं 1/2 घंटे के बाद इसे अच्छी तरह से वॉश करके। देखिए, चिकन में से पानी जो था वो हमने अलग करके वॉश कर लिया है। अभी हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और ये जो चिकन है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और इसके साथ ही 1 कप पानी। इसे हम ढककर तकरीबन हाफ कुक करेंगे, फुल कुक नहीं करना। जब ये आधा पक जाएगा तो इसकी हम आंच बंद करके स्टॉक को अलग कर लेंगे और चिकन को अलग कर लेंगे। तो चलिए हाफ कुक होने तक इसे पकाते हैं। अभी हम चिकन पकौड़ों की कोटिंग रेडी करेंगे। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बाउल चाहिए होगा और उसके अंदर हम ऐड करेंगे दही और इसके साथ ही हम मसालों में इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है, खूबसूरत सा कलर आने के लिए ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हमने चिकन में भी सॉल्ट को ऐड करके बॉईल किया था। और अभी हैंड बीटर की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा बेसन डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। याद रखिएगा कि ना ही हमें ज्यादा थिक पेस्ट चाहिए और ना ही ज्यादा थिन, बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए। अभी इस पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 लेमन, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। लेमन ऐड करने के साथ ही 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च का ऐड कर देंगे और इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच सफेद तिल। ये ऐड करने के बाद इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सफेद तिल ऑप्शनल है, ये लुक के लिए डाले जाते हैं, वैसे तो इसके साथ बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। पकोड़ों के लिए कोटिंग तो रेडी हो चुकी है, अभी हम इसके चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो पकोड़े फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद जो हमने कोटिंग के लिए मटेरियल रेडी किया था उसके अंदर इस तरह से एक चिकन का पीस लेंगे और अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद इस तरह से ऑयल में डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अभी इस पॉइंट पे आपने आंच को बंद कर देना है और पकोड़े निकाल के डिश आउट करने हैं। तो चलिए डिश आउट करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ चिकन फ्रिटर्स रेडी हैं। तो चलिए अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसे बने हैं। इट्स डिलीशियस, बहुत ही मजे के और बहुत ही चटपटे से और जूसी जूसी से बने हैं। तो चलिए, आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने घर वालों को भी खिलाइए और खुद भी खाइए। और आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे रिव्यूज लाजमी दीजिएगा। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप इसी तरह से नई नई और टेस्टी टेस्टी सी रेसिपी सीखते रहें। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।